अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे तो आज इस सिरप का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हमारे पास है क्रेमाफिन सिरप क्रेमाफिन सिरप के क्या बेनिफिट्स हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है ईच एंड एवरी थिंग आई विल डिस्कस विद यू सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब कैमाफिन सिरप जो है ये हमारे पास एक ऐसा सिरप है जो कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड पैराफिन एंड सोडियम पीको सल्फाइड प्रेजेंट होता है ये जो हमारे पास सोडियम पीको सल्फाइड है ये स्टूल सॉफ्टनर है सो जो हमारे पास कैमाफिन सिरप है ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट भी ले सकते हैं ये स्टूल को स्टोफन करता है इसके अलावा बाउल की मूवमेंट्स को इनक्रेज करता है फ्लूड की अमाउंट को बढ़ाता है जिसकी वजह से पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है सीना जलता है खाने के बाद बहुत ज़्यादा सीने जलने की कंप्लेंट करते हैं जो पेशेंट वो भी क्रेमाफिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा जिन लोगों को इनडाइजेशन बदहज़मी का मसला है इसके अलावा जिन लोगों को मैदे का अल्सर है मैदे में जह बन गए हैं उनमें भी क्रैमाफिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है स्टमक कल्सर में क्रेमाफिन सिरप के साथ और भी मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बट साथ ही साथ क्रेमाफिन सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है क्रेमाफिन सिरप भी हमारे पास मार्केट में आता है इसके अलावा ये टेबलेट फॉर्म में भी मार्केट में हमारे पास आता है नेक्स्ट बात कर लेती हैं कि इस सिरप को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है तो आपने रात को सोने से पहले एक टेबल स्पून लेना है और सुबह उठकर भी वन टेबल स्पून क्रेमाफिन सिरप का पी लेना है और आपने इसका इस्तेमाल पानी के साथ करना है अगर आप बच्चों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ़ टेबल स्पून रात को सोते वक्त और सुबह उठकर वन टेबल स्पून देना है नेक्स्ट हम इसकी प्राइस की बात करते चलें तो ऑलमोस्ट टू हंड्रेड रुपीज़ में पाकिस्तानी प्राइस में आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगा यह सिरप नेक्स्ट हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते चलें तो डायरिया हो सकता है इसके अलावा बूखा ना लगना थकावट का महसूस होना नोजिया वगैरह ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो सो में से एक या दो लोग फेस कर सकते हैं इस सिरप के इफ़ेक्ट की बात की जाए तो एट आवर्स तक इसका इफ़ेक्ट रहता है ये थे इसके बेनिफिट्स किस तरह से क्रेमाफिन सिरप का इस्तेमाल करना है कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसके अलावा इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्स करवाते हैं जिनकी आप अगर डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और एफबिक पेज भी विज़िट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं हमारा बेसिक पर्पस ये है कि स्टूडेंट की क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाँ।